नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग बूथ पर जाके, हर एक मतदान केंद्रों पर जाके वहां की स्थिति, व्यवस्था, लोगों की सुविधा और असुविधा का जायज़ा लेके आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान हम पहुंचे हैं प्रज्ञान सतीश चंद्रा ऑडिटोरियम में। यहाँ मतदान केंद्र बनाया गया है, दादरी विधानसभा अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। हमारे साथ यहाँ एक मतदाता है जो आज यहाँ मतदान करने आए थे। समस्या ये है कि इनके पास जो कागजात उपलब्ध हैं उसमें इनके पास तीन इनके परिवार से तीन लोग वोट देने वाले हैं, और इनके पास जो कागजात हैं उसमें तीनों का नाम है, लेकिन यहाँ मतदान केंद्र पर जो कागजात स्थित उपलब्ध है उस कागजात में इन तीनों के नाम नहीं हैं, इनके जगह पर किसी दूसरे लोगों के नाम हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनको कैसी समस्या हुई और उस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन कितना सक्रिय है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जी नवीन कोहली जी, और मेरे ये तीन वोट हैं। मैं ये तीनों वोट देने आया, कल मैंने इलेक्ट्रॉनिकली निकाला इनको जी, तो इसमें ये वोट आ रहे हैं। मैं वोट डालने आया तो मुझे ये बताया गया कि इस नाम यहाँ पे मेरे वोट नहीं है, तीनों इनके पास नाम नहीं आ रहा। BLO साहब से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास आपकी पर्ची नहीं है। अंदर जाके जब उन्होंने कहा कि आप बात करिए दो नंबर में, मैं दो नंबर में बात करी तो उनके पास जो ये मेरे सीरियल नंबर हैं इस पर किसी और के नाम हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप जो हो हायर ऑफिशियल से बात करो। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि किस हायर ऑफिशियल से बात करूँ। यहाँ आपने प्रेसिडिंग ऑफिसर से बात किया तो वो कह रहे हैं कि हायर ऑफिसर से बात करो, हमारे पास आपके यहाँ नाम नहीं आया। जब प्रशासन एक तरफ मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का दावा करती है तो वहाँ मतदाताओं को हर संभव सुविधा प्रदान करने की भी बात कही जाती है, लेकिन जब समस्या होती है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो केवल गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने का काम कर रहे हैं। अब इन्हें कहा गया कि आप आला अधिकारियों से बात करें तभी समस्या का समाधान निकलेगा। देखते हैं आगे इनका ये जो पूरा संघर्ष है कब सफल होता है और ये कब मतदान कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सजन के साथ रंजन अभिषेक, 10 न्यूज़।